अपने पड़ोस में हमारे नेवर हैं, उनके यहाँ बेबी बॉय हुआ है तो उसी का आज बेबी शावर है, तो उन्होंने बुलाया है हम लोगों को। हम लोग सब लोग तैयार हो चुके हैं। ये देखिए, मैं तो सबसे पहले तैयार हो गई हूँ और दोनों बच्चे भी हमारे तैयार हो चुके हैं। बस शौर्य के पापा को थोड़ा टाइम लगता है तैयार होने में, तो अभी वो रेडी हो रहे हैं। ये देखिए, शौर्य तैयार हो चुका है। शौर्य ने ड्रेस पहन लिया है ना? ड्रेस पहन लिया। कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो बता दो। आदिया कपड़ा पहने, माविया कपड़ा पहने। नो बोलो, नहीं नहीं ना बोलो, अंकल के घर जा रहा हूँ। अंकल के घर जा रहा हूँ। वाह, वेरी गुड। अंकल का हैप्पी का बर्थडे है। नहीं, आज हैप्पी बर्थडे नहीं है, आज है छोटू बेबी। छोटू बेबी से मिलेंगे हम लोग, है ना? छोटू बेबी हैप्पी बर्थडे। हाँ, छोटू बेबी से हैप्पी बर्थडे। ठीक है, अच्छा गुड्डी। श्रेया, ये देखिए, श्रेया भी रेडी हो चुकी है। कहाँ जा रही है श्रेया? घूमी 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 घूमी। शौर्य के पापा अभी शेविंग करके आ रहे हैं। अभी बज रहा है 8 बजे रात को। ये शेविंग करके आ रहे हैं। एक्चुअली इनको पड़ोस में ज्यादा है तो अपने आप को थोड़ा सा स्मार्ट दिखाना है। एक्चुअली हम जेंट्स के पास ज्यादा कोई ऑप्शन होता नहीं है शेविंग के अलावा मेकअप के नाम पे। चलो वही सही, वही कम से कम कर ले हम। ये देखिए, शौर्य के पापा हो रहे हैं रेडी। ऑलमोस्ट ये रेडी हो चुके हैं। हेलो, अब ये स्मार्ट बन के जा रहे हैं, शेविंग वेविंग। चलिए चलिए बेटा, लेट हो गए, बिल्कुल चमक रहे हैं। चलिए चलिए, बहुत तैयार हो गए हैं। अब यहाँ से निकलेंगे अंकल के यहाँ। कहाँ जब भी? अरे वो जा रहा है उनका, तो सब निकलेंगे। शौर्य, कहाँ जा रहे? सब निकलेंगे। कहाँ जाना है? सब निकलना है अंकल के यहाँ। चलो चलो बेटा। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पे। आज के इस वीडियो में मैं आपको मिलाने जा रही हूँ बहुत ही प्यारा सा, बहुत ही क्यूट सा न्यूबॉर्न बेबी से। आप सबको ये वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। गुड्डी हलवा आ गया। हाँ, अब हम लोग जा रहे हैं पार्क की तरफ। एक्चुअली में पार्क के उस तरफ उनका घर है और इस तरफ हमारा घर है, और बच्चे साथ में हों, थोड़ी देर पार्क में ना खेलें, ये हो ही नहीं सकता है। वैसे हमारे पास इनफ टाइम है तो हम थोड़ी देर यहाँ एंजॉय कर सकते हैं बच्चों के साथ। श्रेया को तो स्विंग करना बहुत ही ज़्यादा पसंद है, बट क्या होता है ना, जब मैं शाम में लेकर आती हूँ तो काफ़ी रश होता है, बच्चे ज़्यादा होते हैं तो इसे इतना मौका नहीं मिल पाता है। बट आज हमारे पास काफ़ी टाइम है तो बच्चे एंजॉय करेंगे। ये जो रेड वाला स्लाइड है ना, ये शौर्य का फेवरेट स्लाइड है। एक्चुअली शाम को जब मैं लेकर आती हूँ तो ये ज़्यादातर टाइम यहीं पे स्पेंड करता है, क्योंकि इसको यहाँ पे ढेर सारे फ्रेंड्स मिल जाते हैं, सब वन बाय वन स्लाइड करते हैं और आपस में ये लोग खूब मज़े करते हैं। अब ये देखिए श्रेया को भी इस पे चढ़ना है। एक्चुअली वो जो छोटा वाला स्लाइड है उस पे नहीं चढ़ती है, बस भैया के देखा देखी बड़े वाले पे आएगी। और यहाँ पे ये भी बहुत अच्छे से स्लाइड कर पाती है। अब यहाँ पर इन दोनों की लड़ाई शुरू हो गई। शौर्य को लगता है कि वो बड़ा है तो उसे पहले चढ़ना चाहिए, श्रेया को भी लगता है कि वो छोटी है बट वो पीछे क्यों रहे, तो ये दोनों कहीं भी शुरू हो जाते हैं। पर इन दोनों को ना इसी में खुशी मिलती है, इन्हें यही करने में मज़ा आता है। तो अब हम लोग पहुँच चुके हैं अपने डेस्टिनेशन पे। ये देखिए काफ़ी सारे लोग हैं, इनके काफ़ी सारे गेस्ट आए हुए हैं, बच्चे भी हैं ढेर सारे। एक्चुअली दिल्ली एनसीआर में अगर आप रहते हो तो काफ़ी सारे रिलेटिव तो हो ही जाते हैं, पर इसी बहाने एक दूसरे से मुलाकात भी हो जाती है। क्योंकि इतना ज़्यादा बिजी लाइफ है ना कि लोग बाहर निकल ही नहीं पाते हैं, तो बस अगर किसी के यहाँ फंक्शन है कुछ है तो फिर आप जाते हो, एक दूसरे से बातें होती है, मुलाकात होती है, तो बड़ा अच्छा लगता है। अब ये देखिए बच्चों का ना ये लोग कहीं भी ग्रुपिंग कर लेते हैं। ये देखिए सब आपस में सबकी फ्रेंडशिप हो रही है, सबको बहुत मज़ा आ रहा है और हमें भी अच्छा लगता है कि चलो हमारे बच्चे एंजॉय कर पा रहे हैं एक दूसरे के साथ। तो चलिए अब मैं आपको मिलाती हूँ छोटू बेबी से, जो कि बहुत ही प्यारा बहुत ही क्यूट सा है। ये देखिए वाओ कितना ज़्यादा प्यारा है ये। छोटे बच्चे ना बड़े प्यारे लगते हैं। और यहाँ पर ना श्रेया पकोड़े खा रही है। एक्चुअली श्रेया को ना पकोड़े बहुत ही ज़्यादा पसंद हैं। पार्टी ख़त्म होने पे है, काफ़ी एंजॉय किया हम लोगों ने, सबसे मिलकर बड़ा अच्छा लगा। और फ्रेंड्स अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू।